Welcome back everyone, good afternoon, and we will start a new chapter, that is coconut, chapter 5 of English. I hope ki abhi tak maine jitna padhaya hai aap usko follow kar rahe hain, and you are following it and you are understanding the chapter, and I hope that you have done the exercise as well, and I hope everybody is at home and safe and taking care of themselves and their family. Now we will start with the first part of the chapter 5. The chapter is the coconut. So दो तरह के coconut होते हैं, एक brown coconut होता है, green coconut होता है. Brown coconut में brown coconut and green coconut दोनों ही coconut water देते हैं, जो हमारे skin के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है. सो ग्रीन कोकोनट जो है, आपने टीवी में देखा होगा, बीच के पास में जो बड़ा बड़े समुंदर होता है, जो बीच होता है, उसके पास में बहुत सारे नारियल के पेड़ होते हैं. तो वो नारियल का पेड़ ग्रीन कलर का होता है, जो हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, हार्ट के लिए भी अच्छी होती है, किडनीज एंड स्टोन्स के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है. सो दिस पोएम इज ऑल अबाउट कोकोनट. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द स्टोरी. स्टोरी जो कोकोनट है उसके बारे में क्या बताया गया है. लेट्स गेट बैक, एंड आप लोग लाइन्स फॉलो करो सो दैट आपको पता चलेगा कि कौन सा लाइन का क्या मतलब है, तो आपको बेटर समझ में आएगा. ओके, सो हरी एंड रवि वर सिटिंग ऑन द स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ द हाउस नियर द बीच. तो हरी एंड रवि वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस. एक बीच है, बीच के सामने एक घर है, एंड उस घर में हरी एंड रवि रहते थे. तो घर के पास में हरी और रवि जो है बैठे हुए थे बीच के पास में. दे वर क्लीनिंग सम पेबल्स इन अ मग ऑफ वाटर. सो पेबल्स का मतलब कुछ पत्थर के जैसा होता है, सॉफ्ट होता है, गोला होता है, पत्थर के जैसे होते हैं, लेकिन स्टोन्स एंड पेबल्स में थोड़ा ये डिफरेंट होता है कि पेबल्स थोड़े सॉफ्ट होते हैं एंड स्टोन्स थोड़े हार्श होते हैं, ठीक है. सो वो लोग हरी एंड रवि, व्हाट वर दे डूइंग इज दैट, वो लोग पेबल्स को पानी में साफ कर रहे थे. ओके, फॉर द मोमेंट घर के पास में, घर के बाहर सीढ़ी पे बैठ के वो पेबल्स को पानी में साफ कर रहे थे. सडनली दे हर्ड अ लाउड साउंड थड. सो जब जैसे वो पेबल्स धो रहे थे, तो अचानक से उनको एक बहुत बड़ी आवाज़ आई थड करके. ओके, दे लुक्ड अप टू अस टू सी अ लार्ज ग्रीन कोकोनट हैड फॉलन फ्रॉम द ट्री नियर द हाउस. सो जैसे ही वो आवाज़ आया, उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, तो उन्होंने देखा कि ऊपर पेड़ से, बीच के पास में बहुत सारे नारियल के पेड़ होते हैं, तो उन्होंने जैसे ऊपर की तरफ देखा, तो उन्होंने देखा कि एक ग्रीन कोकोनट जो है टूट के नीचे ज़मीन पे गिरा. ओके, उनके घर के पास में कोकोनट गिरा. रवि लुक एट दैट ग्रीन कोकोनट, सेड हरी. सो एज सून एज दे सॉ द कोकोनट, रवि सेज टू हरी, सी देर इज़ अ ग्रीन कोकोनट दैट ड्रॉप्ड फ्रॉम द ट्री. तो उसने बोला कि देखो, पेड़ से एक ग्रीन कोकोनट टूटा है. वाई इज इट सो हैवी, आस्क्स रवि लिफ्टिंग अप. तो रवि ने गिरे उस कोकोनट को ज़मीन से उठाया, एंड फिर उसको महसूस हुआ कि वो काफ़ी भारी है. तो रवि पूछते हैं हरी से कि ये तो काफ़ी ज़्यादा भारी है, लेकिन भारी क्यों है, वाई इज़ इट सो हैवी. It is filled with sweet water inside, Hari said with a smile. So Hari said, the coconut is heavy because it has a sweet water inside. तो Hari रवि को बोलता है कि ये इसलिए भारी है क्योंकि इसके अंदर coconut sweet water है. Okay? So we will continue the chapter in the next page, that is page number 32. सो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है कि जब हरी एंड रवि घर के पास में, घर के बाहर बैठे होते हैं, तो वो पेबल्स धो रहे होते हैं, अचानक से एक आवाज़ आती है, एंड पीछे की तरफ मुड़ के वो जैसे आसमान में देखते हैं, तो देखते हैं कि एक नारियल जो है पेड़ से टूट के नीचे गिरा. तो हरी रवि ने जैसे उठाया, उसको काफ़ी भारी लगा, एंड देन ही आस्क्ड हरी दैट वाई इज़ इट सो हैवी. सो हरी सेड दैट बिकॉज द कोकोनट हैज़ स्वीट वाटर, दैट इज़ वाई इट इज़ हैवी. सो वॉट डज द फर्स्ट लाइन इन पेज नंबर 32 से, लेट्स आस्क ग्रैंडमा टू हेल्प अस, सेड रवि. सो हरी ने जैसे बताया कि कोकोनट में स्वीट वाटर होता है, इसलिए वो भारी है. तो हरी वांटेड टू नो मोर कि ये कोकोनट करता क्या है, एंड ही वांटेड टू नो मोर कि ये कोकोनट मतलब बेसिकली इतना भारी क्यों है, एंड कहाँ क्या फ़ायदा है, ये सब उसको सब जानना था. तो इसलिए उसने सोचा कि वो अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है. लेट्स आस्क ग्रैंडमा टू हेल्प अस.
तो हरी जो है वो नारियल को लेके ग्रैंड माँ के पास जाता है, अपनी नानी के पास में जाता है। रवि एंड हरी कैरेड द कोकोनट इन टू देयर हाउस टू देयर ग्रैंड माँ। तो रवि एंड हरी टुक द कोकोनट टू ग्रैंड माँ। उन्होंने वो नारियल उठा के अपने नानी के पास लेके जाते हैं। दे गेव हर द ग्रीन कोकोनट एंड सेड प्लीज कट दिस कोकोनट फॉर अस ग्रैंड माँ, वी वॉन्ट टू ड्रिंक द स्वीट वाटर इन साइड। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो लोग नारियल का पानी पीते हैं, क्योंकि नारियल की पानी बहुत ठंडी होती है एंड शरीर को बहुत ठंडक देती है। एंड उसके अलावा क्या होता है कि इससे हमारी स्किन भी अच्छी होती है, हेल्थ भी अच्छा रहता है। आप देखेंगे साउथ इंडिया की तरफ में, कर्नाटका, बैंगलोर ये सब में काफ़ी ज़्यादा, गोवा ये सब में काफ़ी ज़्यादा नारियल के पानी पिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत गर्मी होती है। तो रवि एंड हरी सेड टू ग्रैंड मदर दैट ग्रैंड मा प्लीज कट द कोकोनट फॉर अस, वी वॉन्ट टू ड्रिंक द स्वीट वाटर इन साइड इट। तो हरी एंड रवि बोलते हैं कि माँ, नानी माँ प्लीज़ इसको काट दो, हमें इसमें का स्वीट वाटर पीना है। वेर डिड यू गेट दिस यंग कोकोनट, शी आस्क्ड हरी। तो ग्रैंड मदर ने हरी को पूछा, तुमको ये छोटा सा यंग कोकोनट कहाँ से मिला? ग्रैंड मदर ने किसे पूछा? हरी से। It fell from the tree where we were cleaning our pebbles. Hari replied. Grandma held the coconut in one hand and carefully cut off the top with a knife. Grandma poured the water into two glasses. तो हरी बताता है कि जब हम लोग बाहर बैठ के पेबल्स को धो रहे थे, वैसे ही पेड़ से गिर के ये नीचे गिरा एंड इसी वजह से हमने उसको उठा के अंदर लाए। Grandmother held the coconut. तो grandmom ने क्या किया कि वो कोकोनट को लिया और सावधानी से हाथ बचाते हुए कोकोनट को कट किया, ऊपर का कोकोनट के टॉप लेयर को कट करके कोकोनट में जो पानी था, स्वीट वाटर था, उसको दो ग्लासेस में पोर करके हरी एंड रवि को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। द बॉयज ड्रैंक द स्वीट रिफ्रेशनिंग वाटर, इट टेस्टेड वेरी स्वीट, वेरी नाइस। So as Hari and Ravi they drank the coconut water, they found that the water was really sweet and tasty. तो जैसे वो पानी पीते हैं, कोकोनट वाटर पीते हैं, Hari and Ravi realizes that the water inside the coconut is very sweet and it is very refreshing. मतलब काफ़ी अच्छा है, मतलब ताजगी लाने वाला पानी है एंड काफ़ी टेस्टी है। The boys watched grandma as she cut the green coconut into two halves. तो grandma जब अब हरी एंड रवि को बस इतना पता था कि कोकोनट में पानी होता है जो बॉडी के लिए काफ़ी ठंडक देती है, लेकिन उन्होंने देखा कि grandmom जो है जब पानी निकाल के हरी एंड रवि को दे देती है, उसके बाद में grandmother जो है कोकोनट को टू हाफ्स में काटती है। सो हरी सीज दैट, ओके, हरी एंड रवि सीज दैट शी इज़ कटिंग द कोकोनट इनटू टू हाफ्स, कोकोनट को दो हिस्से में काट रहे हैं। डोंट यू वॉन्ट द टेस्ट द फ्लैश द बॉय डोंट यू वॉन्ट टू टेस्ट द फ्लैशी पार्ट ऑफ द कोकोनट, आस्क्ड ग्रैंड मा। तो हरी एंड रवि जैसे वो सोचते हुए मतलब वो देखते हैं दादी को, नानी को काटते हुए उस कोकोनट को, तो वो सोचते हैं कि नानी इस नारियल को काट क्यों रही है, क्योंकि पानी तो हम पी गए हैं। तो फिर ग्रैंड मा उनको बोलती है कि डोंट यू वॉन्ट टू टेस्ट द फ्लैशी पार्ट ऑफ द कोकोनट। तो आप जानते हैं कि ग्रीन कोकोनट के अंदर सिर्फ पानी नहीं होता है, उसके अंदर क्रीम होती है, जो सॉफ्ट क्रीम हम लोग मलाई के जैसे चम्मच से निकाल के वो मलाई खाते हैं। तो ग्रैंड मा पूछती है, क्या तुम लोग को कोकोनट के अंदर की मलाई नहीं खानी है? वी वुड लव टू, दे क्राइड। सो रवि एंड हरी दे गॉट हैप्पी एंड वो उछलते हुए बहुत खुशी से बोलते हैं कि वी वुड लव टू हैव इट, हमें खाना है। Is the coconut a fruit or a nut? Grandma asked Ravi. So ऐसे ही मतलब मज़े लेने के लिए grandma ने रवि से और हरी से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि coconut एक fruit है या nut है? Although the coconut has its name like a nut and it looks like a fruit, it is actually a seed. So it is a fruit, a nut and a seed. तो grandma तो रवि क्या बोलता है, ये जो कोकोनट है भले ही वो नट की तरह दिखता है, लेकिन वो एक बीज है, एक फ्रूट है और एक नट भी है।
क्योंकि आप देखेंगे कि ऊपरी का जो कोकोनट का ऊपरी शेल जो है वो काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी टफ होता है, हार्ड होता है, तो इसके लिए उसका नाम नट होता है। नट्स जो है बेसिकली वो काफ़ी हार्ड होते हैं एंड अंदर से वो फ्लैशी भी मीट मलाई देती है एंड पानी देती है, इसीलिए उसको फ्रूट्स कहा जाता है। सो इट इज़ 3-in-1। नारियल जो है, आपको नारियल के बहुत सारे फायदे होते हैं एंड इट इज़ अ फ्रूट ऑल्सो, इट इज़ अ सीड ऑल्सो एंड इट इज़ अ नट ऑल्सो। सो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ अ कोकोनट एंड स्टोरी क्या है। बाद बाकी की स्टोरी वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप स्टडिंग एज वेल। ओके, टेक केयर।